तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं और देख सकते हैं यहाँ का व्यूज। देखिए कलेजी पथरी, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे हम, हल्का सा कुछ पथरी रेडी हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों माय न्यू ब्लॉग पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं, कहाँ से लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं मौसम कैसा हुआ है। पहले देखिए मौसम एकदम साफ है, ठीक है। और जा रहा हूँ मैं बाहर वीडियो अपलोड करने के लिए, और सुबह से खाना नहीं बनाया तो कुछ लेके आऊँगा, मच्छी उच्छी, देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं, ठीक है। तो डायरेक्ट लेके आएंगे। अभी तो बज रहा है फ़िलहाल 2:30 बज रहा है, तो अभी तो कोई दुकान खुला नहीं होगा, पर चलिए देखते हैं, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं नदी पर, नदी पर भी देखेंगे क्या हाल है क्या नहीं है, ठीक है। वहीं पर जहाँ वीडियो अपलोड करता हूँ वहाँ पर चलेंगे। दोस्तों देखिए आ चुका हूँ नदी पे, और यहाँ का व्यूज देखिए कितना अच्छा लग रहा है मुझे। देखें यहाँ का व्यू कितना शानदार लग रहा है, मस्त लग रहा है, ठीक है। तो चलिए वीडियो अपलोड कर लेंगे, उसके बाद से चलेंगे और मटन शॉप पे मटन लेके आएंगे। मटन आज बनाने का मन कर रहा है, मटन लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए वेट करते हैं, और मेरी आवाज़ सुनाई भी नहीं दे रही होगी, बहुत तेज़ हवा चल रहा है इस कारण, ठीक है। तो चलिए वेट करते हैं और वीडियो अपलोड कर लेता हूँ, उसके बाद से आपसे मिलते हैं, फिर जाते हैं शॉप पे। तो दोस्तों वीडियो अपलोड हो गया है, ठीक है। तो अब चलते हैं डायरेक्ट मटन शॉप पे, मटन लेंगे, मटन लेने के बाद डायरेक्ट अपने रूम पे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं और देख सकते हैं यहाँ का व्यूज। गाइस आपको कमेंट ज़रूर करिएगा, व्यूज व्यू कैसा लगा यहाँ का कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि भाई तुम किधर रहते हो किधर नहीं रहते हो, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करिएगा ये व्यू किधर का है, ठीक है। आप पूरा पीछे देख सकते हैं कैसा है, देखिए आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। डायरेक्ट चलते हैं मटन शॉप पे और मटन लेके डायरेक्ट घर पे चलेंगे, ठीक है। दोस्तों मैं अपने वाले रोड पे हूँ, ठीक है। हाँ देखिए, ठीक है। और मटन नहीं मिला, मटन नहीं था उसके पास, मटन का चर्बी, ठीक है, मटन का छाटन। और यहाँ पे मैंने लिया चिकन का कलेजी पथरी, ठीक है। अब डायरेक्ट लेके चलते हैं रूम पे और बनाएंगे फटाक से। तो दोस्तों आ चुका हूँ, ठीक है, और अपना गाड़ी इधर है, और डायरेक्ट चलते हैं अपने रूम पे और बनाएंगे। तो दोस्तों रूम पे आ चुका था, ठीक है, और सोया था, आराम कर रहा था थोड़ा। उसके बाद उठा हूँ, देख रहा हूँ 5:30 बज गए हैं, देख सकते हैं दिन में। तो डायरेक्ट चलते हैं अब किचन में, ठीक है। और गाइस किचन में जाने से पहले मैं बता दूं, जो वीडियो पे नए हैं लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। आज हम बनाने वाले हैं चिकन का कलेजी पथरी, ठीक है, लीवर और कलेजी, ठीक है। तो डायरेक्ट चलते हैं हम अपने किचन में। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, जूता चाहे फेंक के मारो चाहे चप्पल फेंक के मारो, मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं किचन में। दोस्तों ये रहा अपना कलेजी पथरी, इसमें 250 ग्राम लिया हूँ, और यहाँ अपना चावल, ठीक है, चावल भी रख दिया हूँ। और यहाँ पे हमें 2 प्याज और ना मिर्चा काट लेना है, ठीक है। तो चलिए काटते हैं इसको, और वो तब तक होगा अपना चावल, ठीक है। तो चलिए फटाक से इसको काट लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्याज मिर्चा काट लिया हूँ, और यहाँ पर अपना कलेजी ये पथरी है, और ये कलेजी ना सारा कुछ धो के ला दिया हूँ, ठीक है। देखिए कलेजी पथरी, ठीक है, और कढ़ाई भी रख दिया हूँ, और यहाँ पे देखिए कढ़ाई भी रख दिया हूँ गर्म होने के लिए, ये नहीं हट रहा है। और देखिए चावल भी हमारा होने ही वाला है, इसको ढका हूँ, ठीक है। और वेट करते हैं कढ़ाई गर्म होने का, इसके बाद तेल डालेंगे इसमें। तेल डालने के बाद अपना बनाएंगे लीवर करी, ठीक है। तेल हो चुका है गरम, ठीक है, और इसमें हम सारा मिर्च डाल देंगे, ठीक है, और ये डाल दिया हमने मिर्च, और इसको तेल में अच्छी तरह होने देते हैं और वेट करते हैं। तो दोस्तों हमारा मिर्चा अच्छी तरह तेल में फ्राई हो चुका है, ठीक है। इसमें हम डालेंगे
प्याज, प्याज डालने के बाद थोड़ा चला लेंगे और इसमें अब डालेंगे हम नमक, ठीक है। नमक जब तक डालेंगे नहीं तब तक गलेगा नहीं, तो हम करेंगे इसमें नमक फटाक से डाल लेते हैं। ये नमक नमक डाल दिया और इसको चला लेंगे हम। जब इसमें नमक मिल जाएगा इसको क्या करेंगे हम ढक देंगे, अब को ढक देंगे और वेट करेंगे। और यहाँ पे हमारा चावल देखिए, चावल भी होने ही वाला है 5 मिनट में। अब प्याज व्याज गलने के बाद गाइस अब डालेंगे डायरेक्ट हम अपना कलेजी का पथरी और कलेजी चिकन का कलेजी और पथरी, ठीक है, और मुर्गी का पंजा सारा डाल देंगे इसमें और पकाएंगे। तो चलिए वेट करते हैं, तो देखते हैं हमारा प्याज। और ये देखिए गाइस एकदम, ठीक है। अब इसी में हम अपना डालेंगे कलेजी पतली, ठीक है, इसी में। और ये अपना पंजा गया, ठीक है, ये कलेजी, डाल दिया। इसको क्या करेंगे हम चला लेंगे, ठीक है। ये भी सूखा ही होने वाला है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम इसको, ठीक है, ये ऐसे ढक देंगे और इसको ढक देते हैं और वेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा चावल दोस्तों, यहाँ हमारा चावल भी अच्छे तरीके से हो गया है, ठीक है। अपना चिकन रख दिया हूँ रखने के लिए, लीवर और कलेजी रख दिया हूँ यहाँ पे रखने के लिए। और यहाँ पे अपना चावल भी रेडी है, बस इसका होने का बारी है, उसके बाद लेके चलेंगे बाहर खाने के लिए, ठीक है। तो चलिए वेट करते हैं। तो गाइस अब देखते हैं हमारा ये, और ये देखिए इसमें अच्छी तरह से ये लाल लाल एकदम पक गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये भी पक गया है अच्छी तरह, हाँ देखिए, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे गाइस अपना ये मसाला, एवरेस्ट जो रहता है वो मसाला डालेंगे, ठीक है। ये घर का मसाला है डाल दिए, ये चिकन मसाला है, ठीक है। और ये हल्दी, हल्दी नहीं डालेंगे तो मज़ा ही नहीं आएगा, ठीक है। हल्दी भी डाल दिया और इसको हम चला लेंगे थोड़ा, मिला देंगे। अब इसको फिर से ऐसे ही करके ढक देंगे, ठीक है। ढक देंगे और वेट करेंगे दोस्तों, देखते हैं। और ये देखिए नीचे से लग रहा है पकड़ रहा है, हाँ नीचे से ये हो रहा है पकड़ रहा है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम हल्का सा कुछ पानी डाल देंगे थोड़ा सा,
थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम लोग। इतना सा पानी डाल देंगे कि नीचे मसाला पकड़े ना, ठीक है। और इसको ढक देंगे, ठीक है, वेट करेंगे। अब दोस्तों देखते हैं हमारा, और ये देखें एकदम गल गया है, ठीक है। प्याज व्याज सारा पक रहा है इसमें। इसको थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे बीच बीच में, नहीं तो नीचे पकड़ने लगेगा मसाला, ठीक है। तो इसको ऐसे ही फिर से छोड़ देते हैं, अभी पानी का जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। अरे इसे ढक देते हैं और वेट करते हैं दोस्तों। और ये देखिए पूरा नीचे पकड़ रहा है, इसमें हम डालेंगे पानी। पानी डाल दिया और इसको ये हो गया, ठीक है। पकड़ेगा नहीं, अब बस पकने देंगे। देखते हैं कब तक पकता है, ठीक है। और इसको अच्छी तरह पकने देंगे। इसको क्या करेंगे, हम ढक देंगे और वेट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा पक के रेडी हो चुका है, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे डायरेक्ट पानी, ठीक है। और पानी वो भी हिसाब से, ये हमने इतना पानी डाल दिया, ठीक है। इसको अब थोड़ा चला लेते हैं। अब देखिए इसका कलर देखिए और टेस्ट, गाइस क्या बताऊँ मैं, एक नंबर है, ठीक है। अब इसको जाने देते हैं, उसके बाद से डायरेक्ट लेके चलेंगे बाहर, ठीक है। इसको ढक देते हैं, वेट करते हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे अपना कलेजी और पथरी रेडी हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इसको फटाक से लेके बाहर चलते हैं और खाएंगे। मुझे लगा है भूख, सुबह से कुछ नहीं खाया है, ठीक है। अपना चिकन चावल पानी वानी सारा लेके चलते हैं बाहर, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं। तो दोस्तों सारा कुछ ला दिया, चावल अपना चिकन, ठीक है। तो चलिए फटाक से मैं चावल निकाल लेता हूँ इसमें, ठीक है। और ये चावल देख सकते हैं कैसा बना एकदम। तो मैंने अपना चावल निकाल लिया, ठीक है। और अब अपना हम ये देख सकते हैं, इसको ये कलेजी निकाल लिया, ये अपना पंजा, ये पथरी ले लिया, ठीक है। ग्रेवी ले लेंगे भाई। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। दोस्तों हमने निकाल लिया, ठीक है। और इसको भी क्या करते हैं, ढक देते हैं और अब चेक करते हैं खा के। तो दोस्तों अब इसको ट्राई करके देखते हैं कैसा बना है। ग्रेवी देख सकते हैं कैसा एकदम। इसको एक नंबर, ये देखिए
गाइस एक बार ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है? एक बार ट्राई जरूर करके देखिएगा कैसा बनता है कैसा नहीं। जैसे मैं बनाता हूँ ऐसे ट्राई करके देखिएगा, एक नंबर बनेगा, ठीक है? देखिए ये अपना यहाँ पे एक कलेजी गर्म है, देखिए इसको लगाया इसमें। तो देखिए लीवर है, ठीक है? तो आपको दिखा दूँ, देखिए ग्रेवी मेरे को ज़बरदस्त लगता है गाइस, क्योंकि ग्रेवी मैं वैसे ही बनाता हूँ। ये आ गया आपका अपना मुर्गा का लेग पीस, पंजे का लेग पीस। ठीक है गाइस, चलिए खा लेता हूँ फटाक से, उसके बाद मिलते हैं।